आइए दोस्तों, आज अब हम आपको ले चल रहे हैं एक खूबसूरत शहर की ओर। इस शहर की खूबसूरत बात यह है कि ये छोटे छोटे गाँव की कनेक्टिविटी को जोड़े रखता है और एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन हर एक छोटे गाँव को प्रोवाइड करवाता है। अब हम ये रेलवे लाइन को पार कर चुके हैं, अब जा रहे हैं बाजार की तरफ। इस शहर का नाम है उचेहरा शहर। ये सतना जिला में आता है और सतना से मैहर जाते समय ये उचेहरा शहर पड़ता है। यहीं से जस्ट आगे थोड़ी ही दूर में रेलवे स्टेशन भी है, जो यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों को बहुत ही अच्छा है। यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं लोकेशन, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ही रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता भी है। और ये जो हम जा रहे हैं, ये अब बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से ब्रिज होते हुए अब हम उचेहरा शहर की ओर चल रहे हैं। ये जो लोकेशन हम विजिट कर रहे हैं, ये उचेहरा शहर की न्यू मार्केट में से एक कहलाती है। ये कुछ ही सालों में डेवलप हुई मार्केट में से एक है। अब इसको पार करते हुए मैं जो है तो क्रॉसिंग लाइन को पार करूंगा और इसके बाद मेन बाज़ार की तरफ आ रहा हूं। ये लोकेशन अब मैं पार कर चुका हूं, ये मेन ब्रिज की तरफ हूं, यानी ब्रिज के ऊपर ही हूं। अब इसके बाद जो है तो मेन मार्केट की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए, अब हम जो है तो मेन मार्केट की तरफ इंटर कर चुके हैं। अब ये जो लोकेशन है, यही मेन मार्केट की शुरुआत है। अब इसके आगे ऐसे हम चलते जाएंगे और बस्तियां बसी हुई हैं, मार्केट हैं, जिनमें से यहाँ पे ये मंदिर दिख रही है आपको। और इसके बाद आगे ऐसे चलते जाएंगे, ये पैलेस भी है और यहीं से इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें और सारी दुकानें हैं जो कि इस शहर को खूबसूरत बनाती हैं। यहाँ पे देखिए कि ये तांबे के कुछ बर्तन दिखाई दे रहे हैं और ये और भी फिटिंग का सामान दिया गया है। इसी तरह से और आगे का लोकेशन हम आपको दिखाते हैं। ये ATM भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये इसी तरह से आगे आप बढ़ते चलिए, जो कुछ भी इस मार्केट में अवेलेबल है उसको हम दिखाते हैं। ये मेन मार्केट की ये जो दिख रही है, ये पेट्रोल टंकी है। ये मेन मार्केट में ही है जिसमें हम हर एक पेट्रोल को भरवा सकते हैं। और इसके आगे अब हम पहुंच रहे हैं, लगभग बस स्टैंड के पास ही हैं। ये जो लोकेशन दिख रहा है आपको, ये बस स्टैंड के पास का ही अच्छा खासा मार्केट है। ये खूबसूरत मार्केट है और यहाँ पे हर एक चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जैसे आपके जीवन से संबंधित कपड़े वगैरह या सब कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छे खासे सस्ते दामों में भी अवेलेबल हो सकता है। शहर में व्यापार को डेवलप करने के लिए एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे जो रेलवे लाइन है वो बहुत अच्छा भूमिका निभाती है, क्योंकि जब ये रेलवे लाइन जो है तो व्यापारियों के लिए ट्रांसपोर्ट के सामान में अच्छा खासा फ़ायदा देती है, जिस कारण से यहाँ पे जो सामान बिकता है वो सस्ते दामों में भी मिल जाता है। इस शहर में जो व्यापारिक दृष्टि से व्यापार का सामान आता है वो लगभग सतना और कटनी के ही द्वारा अवेलेबल होता है। यहाँ पे दोनों जगह से रेलवे लाइन का अच्छा खासा व्यापारिक संबंध बनता है और इसी के कारण यहाँ पे हर एक सामान कटनी से अवेलेबल होता है या और आगे जहाँ तक रेलवे लाइन का कम्युनिकेशन है वहाँ से अपने अपनी व्यवस्था के हिसाब से व्यापारी लोग अपना सामान लाते हैं और इस शहर में बेचते हैं। चलिए अब हम चलते हैं बस स्टैंड की तरफ। ये इस शहर का बस स्टैंड है। यहाँ से आपको सतना जाने के लिए, मैहर जाने के लिए, नागौद जाने के लिए या दुरेहा सलेहा की तरफ जाने के लिए भी बस मिल जाएंगी और यहाँ से आप हर एक जगह जा सकते हैं। यहाँ पे मैहर के लिए एक विशेष बसें होती हैं जो कि एक टूरिस्ट प्लेस के लिए यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बसें मिलेंगी। और इसके बाद सतना का भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है और यहाँ से नागौद के लिए भी
बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन है, यानी बस हर एक जगह के लिए अवेलेबल होती हैं। इस शहर को किसानों के हिसाब से भी देखा जाए तो ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस शहर में गल्ला मंडी है। इस कारण से जो गल्ला होता है उसको किसान इस शहर में लाते हैं और गल्ला मंडी में ठीक तरीके से बेचते हैं, और जो भी पैसा पाते हैं उससे इस शहर का व्यापार चलता है, और यहाँ से अपने घर की ज़रूरत की चीज़ों को वो ले जाते हैं। इस कारण से इस शहर का व्यापार बहुत ही अच्छा है। यानी ये समझिए कि किसान की ज़रूरत के हिसाब से हर एक चीज़ें इस शहर में खूब ज़्यादा मिलती हैं, और उन्हीं को व्यापारी लोग यहाँ पे ज़्यादा लाते हैं ताकि किसान इनको ठीक तरीके से ख़रीद सकें और उनकी ज़रूरतें पूरी भी हो सकें। और दूसरा व्यापार इस शहर का सबसे मेन व्यापार है, वो है तांबे के बर्तन का निर्यात। यानी तांबे के बर्तन बेचने में ये शहर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे जो व्यापारी होते हैं वो खुद ही घर में अपने बर्तनों को बनाते हैं और मार्केट में ला के इन बर्तनों को बेचते हैं, जो कि इस शहर के अलावा अन्य शहरों में भी ये तांबे के बर्तन जाते हैं और वहाँ के व्यापारी इनको बहुत अच्छी कीमतों में ख़रीद ले जाते हैं। इसके बाद वहाँ के ग्राहकों को भी बेचते हैं। उचेहरा शहर जो है ये तांबे के बर्तन के हिसाब में सबसे ज़्यादा फेमस है, और इस शहर में टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से कुछ मंदिरें भी हैं और घूमने के लिए धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे किला वगैरह भी हैं यहाँ पे जो पुराने हिसाब से बने हुए थे। और यहाँ पे खाने पीने के हिसाब से भी बहुत अच्छा खासा खाने के लिए आपको नाश्ता मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा समोसा खूब ज़्यादा बिकता है, वो बनाया हुआ समोसा यहाँ का सबसे प्रसिद्ध समोसा में से एक कहलाता है। अब हम आपको दिखाते हैं तांबे के बर्तन का कुछ ये कलेक्शन। ये देखिए क्या खूबसूरत तरीके से सजा है। और आगे ये मार्केट है, इसी तरह से आगे देखते चलिए आप क्या कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये कलेक्शन है कपड़े का, और सारा कुछ मार्केट में अवेलेबल है जो कुछ भी यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्तन ही बर्तन है। यहाँ पे खाने के हिसाब से भी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ये जलेबी है, और सारे मटेरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये देखिए ये लड्डू हैं, मोतीचूर के लड्डू हैं, क्या खूबसूरत यहाँ पे ये लड्डू बनाए हुए हैं। इसी तरह से अन्य मटेरियलों को भी यहाँ पे बनाया गया है। अब ये देखिए कि ये किस तरह से यहाँ पे ये लड्डू बनाए गए हैं, इस तरह से इनको सजाया जाता है। ये होटलें हैं, इनमें किस तरह से इनको रखा गया है और हर एक चीज़ों को अवेलेबल किया गया है। आपको कुछ कोल्ड ड्रिंक की भी अवेलेबल है, जैसे हर एक मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये सैलून है और ये सब कुछ मार्केट है। ये बस स्टैंड का लोकेशन आपको जो दिखाई दे रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आज का विजिट बस यहीं तक। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें।